कुछ ऐसा है जो लाइव सेशन में हो सकता है, वीडियो में पॉसिबल नहीं है, कुछ बताएगा क्या है यहाँ पर जो लाइव सेशन में हो सकता है? एक कनेक्शन हो रहा है, एक आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ की जो वाइब्स हैं उसको आप फील कर सकते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप फील कर सकते हो। क्योंकि होगा क्या कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, उसको मैं खींच लूँगा, मेरे अंदर की सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर चली जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, भंडार है पूरा का पूरा। आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है व्हाट इज लव, नॉट हाउ टू लव, व्हाट इज लव। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस प्यार 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 वर्ड को हम प्यार समझ रहे हैं? इज इट समथिंग विच इज सो इंटेंस, जो अगर आपकी लाइफ में उतर आए तो फिर एक एक सेकंड मजेदार हो जाएगा, सारे फियर्स खत्म हो जाएंगे, एब्सोल्यूट फियरलेसनेस। अब मेरा आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज लव? जिसको छोड़ने का मन ना करे, दैट इज लव। गुड पॉइंट, मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज जिसको छोड़ने का मन ना करे, जैसे कि एक शराबी है उसका शराब छोड़ने का मन नहीं करता है, तो क्या उसको शराब से प्यार है? सोचना है, देखो इसी को इंक्वायरी कहते हैं, आप बोलोगे और मैं आपसे पूछूंगा, फिर आपको सोचना है। Love is something that one is passionate about and it's about commitment and which does not change with the feelings. इसमें आपने तीन अलग अलग वर्ड्स यूज कर दिए, पहला आपने यूज किया which we are passionate about, तो if you are passionate about something तो क्या वो प्यार है? जो सड़क छाप रोमियो होते हैं, they are passionate about a particular female, is it love? सोचो, आराम से सोचो। पैशन किसको हम कहते हैं? फीलिंग्स को कहते हैं, जो हमारे अंदर ट्रिगर होती रहती है। तो इफ आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग, अ थिंग और अ पर्सन, इज दैट लव? दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। अपने बच्चों को बोलते हैं पेरेंट्स कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम तुम्हें कोटा भेज रहे हैं पढ़ने के लिए कि तुम 18-18 घंटे पढ़ो और वहां पर जा करके कॉम्पीट करो, तो क्या ये प्यार है? प्यार वो है जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं विदाउट एनी लिमिट्स, मतलब बिना किसी लिमिट्स के। तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई हेड है, वो पर्सन कह रहा है कि जा करके लोगों को मारो और वो मार रहा है, तो क्या वो प्यार है? अब इससे ज्यादा आप क्या करोगे किसी के लिए? सोचने वाली बात है, मतलब आप लोग कुछ करोगे क्या इससे ज्यादा? अपनी जान देने को तैयार हो, क्या वो प्यार है? सर उसका भी तो अपने सीनियर के लिए एक प्यार ही है जो उसकी बात। अच्छा, उसको हम प्यार कह रहे हैं, तो यही एक क्वेश्चन करना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू क्वेश्चन, कि क्या हम प्यार सही तरह से यूज कर भी रहे हैं, या हम जिसको प्यार कह रहे हैं वो कुछ और ही है? हम अटैचमेंट को प्यार तो नहीं कह रहे? क्या अटैचमेंट प्यार है? सर अगर कुछ लाइफ में जैसे होता है, जब प्यार होता है तो लाइफ में कुछ चेंजेस होने लगते हैं अपने आप से। जैसे सर किसी को पढ़ने से प्यार होता है तो वो सुबह जल्दी उठना शुरू कर देता है। एक मिनट यहीं पे रुकना, यहीं पे रुकना। पढ़ने से हमें प्यार होता है? आराम से सोचो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन इट। क्या पढ़ाई से हमको प्यार होता है? अगर पढ़ाई से आपको प्यार होता तो कभी आप ये नहीं पूछते कि मैं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट क्यों होता हूँ। अगर आपको ऑप्शन मिलेगी पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पढ़ोगे क्या? हम कहते हैं हमको पढ़ाई से प्यार है, और अगर अब मैंने टॉप कर लिया तब तो मैं कहता हूं मुझे पढ़ाई से प्यार है, लेकिन मैं बुरी तरह से फेल हो गया 4 साल बाद भी, तो मैं कहता हूं पढ़ाई से मुझे नफरत है। क्या मेरे को पढ़ाई से प्यार है, या टॉप करने से हमको प्यार है? और वो भी प्यार नहीं है, अपनी ईगो को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं टॉप करके, और वो हरा करके खुद जीत करके बोल रहे हैं कि मैं जीत गया, और हम कह रहे हैं कि प्यार है जीतना, क्या ये प्यार है? आप एक रिलेशनशिप में हो किसी के साथ में, एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उसमें जीतना क्या ये प्यार है? सोचना है आराम से, एक मिनट। यहां तक हम पकड़ पा रहे हैं ना? हाँ, आगे आप क्या कह रहे हैं? होने लगते हैं अचानक से हमारे, मतलब कुछ होता है ऐसा तो वो प्यार है सर। गुड पॉइंट, एक मिनट सुनना, अब यहीं पे रुकना। आप कह रहे हो हमारे अंदर कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं एकदम से ही, हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, तो वो प्यार है जो टीनेज में शुरू हो जाते हैं, वो चेंजेस होने हमारे अंदर। कई तरह के बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो क्या वो हार्मोनल चेंजेस प्यार हैं? सोचो जी, सोचो। उस टाइम पे बॉडी के अंदर बहुत तरह के चेंजेस हो रहे होते हैं, कई तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं,
और दिमाग हमारा हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और हम कुछ भी हरकतें कर रहे होते हैं और उसको प्यार कह रहे होते हैं, क्या वो प्यार है? व्हाट इज लव? सर फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, हमें किसी से जुड़ाव हो जाता है. हम लोग कह सकते हैं कि मम्मी है मेरी, मेरी मम्मी को कुछ बुरा लगता है तो वो मुझे भी बुरा लगेगा कि उनकी उनकी फीलिंग्स, मतलब एक होता है कि मतलब उनसे मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैचमेंट होता है, जुड़ाव हो जाता है. व्हाट शी इज सेइंग इज, जो आप सबको भी लगता है कि अगर किसी पर्सन से हमको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाए, जैसे कि अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है या किसी पर्सन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, वो प्यार है. सोचो क्या वो प्यार है? क्या जहां पर अटैचमेंट होती है वहां पर प्यार होता है? अटैचमेंट हम किसे कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी है, तो क्या वहां पर प्यार होता है? सर बट बिना अटैचमेंट के तो प्यार भी तो नहीं होगा. सोचो सोचो क्वेश्चन दैट, कि क्या अटैचमेंट प्यार है या प्यार कुछ ऐसा है जिसका अटैचमेंट से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है. एक माँ को अपने बच्चे से अटैचमेंट है और उस अटैचमेंट की वजह से क्या हो रहा है, वो माँ चाहती है कि उस बच्चे के साथ वैसा ही हो जैसा मुझे ठीक लगता है उस बच्चे के लिए, तो क्या ये प्यार है? जहां अटैचमेंट होगा वहां पर ये एक्सपेक्टेशन तो होगी ही या नहीं होगी? कि मेरे जो बच्चे हैं, एक माँ बाप के अंदर ये एक्सपेक्टेशन होती है नहीं होती है कि मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चले, इसकी लाइफ का मैंने ठेका ले लिया, तो क्या ठेका लेना प्यार है? समझो, क्या जहां पर कब्जा होता है वहां पर प्यार होता है? अटैचमेंट का मतलब ही कब्जा है. ये जमीन मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये मेरी बीवी है, तो कब्जा हो गया ना, ये मेरे बच्चे हैं, क्या वहां पर प्यार होता है? कब्जा किस लेवल पे, इसको ध्यान से समझ लेना जब भी मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूं, नॉट एट अ फिजिकल लेवल, एट द लेवल ऑफ योर माइंड. जब भी प्यार की बात होती है तो हम हमेशा पॉजिटिव चीजें पता नहीं क्यों सोचते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है. अकॉर्डिंग टू मी लव इज डिपेंडेंसी. जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें लगता है हमारी खुशी के लिए ये दिस इज लव, मुझे ये करके प्यार मिलेगा, मुझे इस चीज से प्यार है, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, उस सेल्फिशनेस को हम प्यार बोल देते हैं. एक बच्चा जब न्यूबॉर्न बेबी होता है वो अपनी मदर से अटैच्ड होता है क्योंकि 9 मंथ्स उसने कनेक्शन बना लिया है. अब वो अपनी हर चीज के लिए अपनी मम पे डिपेंडेंट है, उस डिपेंडेंसी को हम प्यार बोल देते हैं कि बच्चा पैदा होती है अपनी माँ से प्यार करने लग जाता है. दैट इज नॉट लव, दैट इज डिपेंडेंसी, दैट इज डिपेंडेंसी. एंड वेयर देयर इज डिपेंडेंसी इज देयर लव? नहीं, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ फियर इन दैट, राइट? हाँ, कि एक लड़की है अपने पति के ऊपर डिपेंड हो गई है, उसको उसके साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर छोड़ दिया तो समाज पता नहीं क्या कहेगा, समझ गए? और इसको वो क्या कह रही है कि नहीं, मुझे अपने पति से बड़ा प्यार है. अभी भी उसके सामने अगर उसके पति की कोई बुराई करेगा तो वो उससे लड़ेगी और वो क्या कहेगी कि मुझे बड़ा प्यार है अपने पति से. 20 साल से एक आदमी के साथ रह रही है जो उसको पसंद नहीं है, फिर भी प्यार है, समझ? क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया या मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी. तो एक डर में हम किसी के साथ चिपके पड़े हैं, क्या वो प्यार है? कहीं पर आप जॉब कर रहे हो और आपको डर है कि मेरे को इस नौकरी से निकाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो क्या आपको उस नौकरी से प्यार है? समझो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग. अरे हर चीज ही ऐसी होती है, हम लोग करियर बना रहे हैं, करियर बना रहे हैं तो हम लोग दिमाग में ये चलते हैं मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे ये चाहिए. हम हर चीज के लिए डिपेंडेंट हैं और हम उसको प्यार 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 कर करके इतनी लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं. एब्सोल्युटली राइट, शी इज, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. मतलब हम कभी बैठ करके सोच ही नहीं रहे हैं कि लाइफ क्या है. समवन हैप्पीनेस बिकम्स योर हैप्पीनेस. That I mean, that is love. कि अगर किसी दूसरे की खुशी हमारी खुशी बन जाए तो वो प्यार है. ध्यान से समझना, मैं एक टीनेजर की बात करता हूँ, उसकी खुशी किसमें है? दारू में, सिगरेट में, हाउस पार्टी में, और मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे हैं तो वो घर वालों से एंटी हुआ पड़ा है, लेकिन घर वाले क्या कहे, नहीं मुझे अपने बच्चे से बड़ा प्यार है. कर ले बेटा, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, राज के साथ पे मारती रहे सुट्टा पूरी रात घर में हमारे, क्या ये प्यार है? सर अब ऑडिशन हो गई. अरे एक मिनट, डराऊं मैं? हाँ एक मिनट, आराम से हाथ ऊपर करके बोलो. हाँ ऑडिशन हो गई सर. तो बाउंडेशन हो गई, या प्लीज हैव अ सीट. हाँ दिल कमजोर है मेरा यार, आप मजे ले रहे हो. आराम से किसी को बोलना, हाथ ऊपर करो फिर बोलो. हाँ सो बेसिकली लव इज एडिक्शन. हाँ अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. एक मिनट खड़े हो गए आप, माइक लेकर के बोलना. मतलब व्हाट शी इज सेइंग इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ क्या? एडिक्शन, क्योंकि बिकॉज़ अगर हम किसी से बात कर रहे हैं,
लाइक एक साल हो गया, दो साल हो गया रिलेशनशिप पे, आप ले लीजिए तीन साल से चार साल से हम बात कर रहे हैं, लाइक मैं ही ले लो, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ पांच छह साल से, देन मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी, अब वो एडिक्शन धीरे धीरे खत्म होगी ना, मैं उस बंदे से बात नहीं कर रही हूँ जिसको हम प्यार कह रहे थे, वो एक्चुअल में एडिक्शन है क्या? जिसको हम प्यार कहते हैं वो एडिक्शन नहीं है? सोचो, लगाओ दिमाग, क्या एडिक्शन में हमें ये परवाह होती है कि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, या सिर्फ हमें इस चीज की परवाह होती है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है? जहां सामने वाले ने कोई ऐसी बात करी जो मुझे नहीं अच्छी लगती है तो लड़ाई झगड़ा होता है, ये सच है या झूठ है? तो जिसको हम प्यार कह रहे हैं क्या वो प्यार है? क्या वहां पर प्यार है? सोचो, आराम से सोचो। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। एक शराबी भी बोलता है आई लव व्हिस्की व्हाटएवर, हां आई लव द सिगरेट, होता है ना? तो क्या ये प्यार है? आप में से जिन लोगों को सुट्टा मारने की आदत पड़ी हुई है, क्या आपके माइंड में थॉट नहीं चलता रहता है कि मैं इसको छोड़ दूं, कम कर दूं? सबके चलता है, तो उनको प्यार कहां है सिगरेट से? उनको तो नफरत है, लेकिन एडिक्शन है। समझ पा रहे हो या ज्यादा डीप हो रहा है आप लोगों के लिए? कुछ आ रहा है समझ में या ऊपर से जा रहा है सब कुछ? दिस इंक्वायरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोगों का जो एज ग्रुप है अभी वो है 22 से 25 के बीच में, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक मिनट रुको तो सही, बोलना तो। तो आने वाली जो जनरेशन है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करने वाली है, आपकी इस अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करने वाली है व्हाट इज लव है कि नहीं। नहीं तो कहीं आप भी अपने बच्चों का टॉर्चर करते रहो, उनको अपने जैसा बनाने में लगे रहो पूरी जिंदगी, और अपने आप से सच ना बोलो कि मेरी जिंदगी में कुछ पढ़ाई नहीं है। कड़वा लगेगा सुनने में थोड़ा सा, बट समझ ना मेरी इस बात की गहराई को अगर पकड़ पाओ तो। अगर कोई आदमी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, किसकी वजह से खुश नहीं है? अपनी सोच की वजह से खुश नहीं है, उसको ये लग रहा है कि मैं ये नहीं बन पाया इस वजह से मैं दुखी हूं, जबकि वो एक्चुअल में अपनी सोच की वजह से दुखी है। समझ गए? तो उसी की अपनी ये सोच कह रही है कि मैं ये नहीं बन पाया इस वजह से मैं दुखी हूं, लेकिन मेरा बच्चा अगर ये बन गया तो वो सुखी हो जाएगा, पर सोच तो उसी की है। खुद की ही एक सोच है जिसको पकड़ा हुआ है और उस सोच को थोप रहे हैं सामने वाले के ऊपर कि तुम ये करोगे तो मुझे तुमसे प्यार है, नहीं करोगे तो नफरत है। इसी को प्यार बोलते हैं। पहले अपने आप से प्यार करना सीखें। हाँ, अब इसको आराम से समझो, आप ठीक कह रहे हो वैसे काफी हद तक। क्या वो इंसान जिसको खुद से प्यार नहीं है, क्या वो किसी से भी प्यार कर सकता है? समझे? कितने ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको खुद से बहुत प्यार है, जो खुद की लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, क्या वो किसी से भी प्यार कर सकता है? या फिर वो उस पर्सन को यूज करेगा खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और उसको प्यार का नाम दे देगा? लव इज एक फीलिंग, हम उसको कह सकते हैं कि वो एक हमारे लिए फीलिंग है। फीलिंग क्या होती है? एक सेंसेशन होती है। बिना सेंसेशन के कोई फीलिंग होती है? यहां पर टच हुआ, कुछ फील हुआ, तो इस फीलिंग लव, इस सेंसेशन लव, इस थॉट लव, आई से आई लव माई कंट्री, वी से वी लव आर कंट्री, डू वी रियली लव आर कंट्री? अगर हमको सच में अपनी कंट्री से प्यार है तो हम कंट्री मतलब क्या, सड़कें उसको साफ रखेंगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे सिस्टम में, करप्शन ना देंगे ना लेंगे। दैट मीन्स दैट वी लव आर कंट्री, बट वी डोंट लव आर कंट्री, वी आर जस्ट सेइंग दैट वी लव आर कंट्री। बड़े एक्साइटमेंट के साथ में, एक बड़ी तगड़ी फीलिंग के साथ में हम बोल रहे होते हैं कि नहीं नहीं आई लव माई कंट्री। तो क्या फीलिंग प्यार है? क्या सेंसेशन प्यार है? किसी पर्सन से हमको बड़ी कमाल की सेंसेशंस मिलती हैं, कुछ प्लेजर्स मिलते हैं, उसको हम प्यार बोल देते हैं, और जब वो प्लेजर्स मिलने बंद हो जाते हैं उस पर्सन से, किसी और पर्सन से मिलने शुरू हो जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि अब मुझे किसी और से प्यार है, उसको छोड़ देते हैं। क्या ये प्यार है? तो फीलिंग प्यार नहीं है, थॉट प्यार नहीं है। थॉट के लेवल पे हम जितना मर्जी चाहे प्यार क्रिएट कर सकते हैं, टेररिस्ट यही कर रहे हैं। आपके लिए वो गलत हो सकते हैं, लेकिन खुद के लिए तो वो सही है, तभी तो कर रहे हैं। अगर खुद के लिए गलत होंगे तो वो करेंगे ही नहीं। उनको लग रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, क्यों? क्योंकि उनको प्यार है। किससे प्यार है? अपने एक थॉट से प्यार है, उन थॉट्स की वजह से जो फीलिंग्स अंदर ट्रिगर हो रही है, हाँ मैं ये कर रहा हूं, उससे प्यार है। क्या वो प्यार है? डिवोर्स केसेस होते हैं तो वो ही जो एक दूसरे के पीछे पागल थे लैला मजनू, आज एक दूसरे की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, कि मैं तो उसको बर्बाद कर दूंगा, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। ये कहां से आ रहे हैं वर्ड्स? ये प्यार से आ रहे हैं। क्या जहां पर प्यार होता है वहां पर नफरत की गुंजाइश भी होती है?
क्योंकि अगर हमको समझ नहीं आएगा प्यार क्या है तो वी विल नेवर बी एबल टू एक्सपीरियंस लव. हम क्या करेंगे, फीलिंग्स को प्यार बोल देंगे, सेंसेशंस को प्यार बोल देंगे. और क्या उन फीलिंग्स की वजह से हमारी लाइफ बेटर होती है या और खराब हो जाती है? सोचो, सेंसेशंस मिलती हैं, किसी चीज से आपको सेंसेशंस मिलती है और उन सेंसेशन से आप अटैच हो गए जिसको आप प्यार बोल रहे हो, तो उससे आपकी लाइफ बेटर होने वाली है या खराब होने वाली है? आप कहते हो आई लव दिस फूड, डू यू रियली लव दैट फूड? यू वॉन्ट टू लीव दैट फूड बट यू आर नॉट एबल टू लीव दैट फूड. पराठों को आप छोड़ना चाहते हो, उसके ऊपर जो मक्खन पड़ा होता है उसको आप हटाना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, टेस्ट खींचे चले जा रहे हो उसकी तरफ क्योंकि फीलिंग मिल रही है वहां से, सेंसेशन मिल रही है. एंड वी से यार खाना बड़ा बढ़िया था, शादी मजा आ गया. तो मजा प्यार है क्या? इज प्लेजर लव? अजीब लग रहा है सुनने में, बढ़ू आगे या रहने दू? बढ़ू ना, हाँ. क्योंकि मैं जिस तरह से देखता हूँ ना दुनिया को, मेरे पास में दो ऑप्शन है. एक ये है कि आप जिस तरह से दुनिया को देख रहे हो, आप ही के लेवल की बात करूं और करके सेशन को खत्म कर दूं, मुझे कुछ निकलना नहीं है. मेरी जो विजन है वो बहुत अलग है. एक्चुअल में जो मेरी विजन है उसका मैंने 1% भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है, कर भी नहीं सकता क्योंकि आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी. क्या बोलूं, बहुत बेसिक लेवल की बातें कर रहा हूं. उसमें भी आपको लगता होगा पता नहीं क्या बोल रहे हो, बट इट इज अ फैक्ट. ये तो बहुत बच्चों वाली बात है. अगर किसी में थोड़ी सी भी अकल होगी तो वो जा करके देख लेगा इस स्ट्रक्चर को. जिसको हम प्यार कह रहे हैं वहां पर कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव होता है हमारा. अगर अपने अंदर झांक करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है. और उसको हम प्यार का नाम दे रहे होते हैं. अगर हमारे अंदर, अब ये मत पूछना कैसे होगा, अगर हमारे अंदर अपना खुद का कोई सेल्फिश मोटिव हो ही ना, तो क्या हम प्यार करने के लायक बन सकते हैं? क्या हम सामने वाले को प्यार कर सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि उसको क्या चाहिए? हम कब देख सकते हैं, हम कब देख सकते हैं सामने वाले की जरूरत क्या है? हम कब सामने वाले की केयर कर सकते हैं? जब हमारे खुद के अंदर कोई सेल्फिश मोटिव ना हो. हम कब किसी को खुशी दे सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं? जब हम खुद पूरी तरह से खुश हो. तो इसका मतलब कि अगर मैं प्यार ढूंढ रहा हूं इस दुनिया में तो मैं प्यार कर नहीं सकता. बट आपने अपने अंदर ही जो प्यार का सोर्स है, जो खुशी का सोर्स है, उसको ढूंढ लिया. आप कुछ सोच रहे थे, किसी चीज के लिए तड़प रहे थे कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, है ना, और वो हो गया. जैसे ही वो हुआ तो क्या हुआ, फीलिंग होती है, कुछ सेंसेशंस होती हैं बॉडी में, ठीक है, जो आती हैं और चली जाती हैं. लेकिन उसके बाद में एक बड़ी गहरी अंदर एक सेटिस्फैक्शन होती है, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए. पकड़ पा रहे हो ये? नहीं, वहां पर कोई प्लेजर नहीं होता है, कोई फीलिंग नहीं होती है. आप सोच रहे थे, तड़प रहे थे किसी पर्सन के लिए, किसी चीज के लिए, किसी एम्बिशन के लिए, किसी अपने डिजायर के लिए, किसी ड्रीम के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, कि ये मोबाइल मोबाइल चाहिए चाहिए चाहिए, व्हाट एवर इट इज. एकदम से मिलके क्या होता है, पागल हो जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, बटरफ्लाई जिंदा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ये मेरा डिजायर पूरा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ओ मोबाइल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये समझ गए. तो आपको लग रहा है कि वो खुशी उस मोबाइल में है, जबकि वही मोबाइल किसी ऐसे को मिलता है जिसके पास में बहुत पैसा है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके फेस पे स्माइल तक नहीं आती है. ये क्या दे दिया, ये मोबाइल है, ढंका देना चाहिए था, समझ गए. ये क्या 50,000 रुपए का मोबाइल दे दिया, वो 1,00,000 रुपए का क्यों नहीं दिया? तो उनके लिए वो बेकार है. बट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 5,000 का, एकदम से 50,000 का मोबाइल आ गया तो पागल हो गए. तो आपको लग रहा है मोबाइल में खुशी है, जबकि खुशी मोबाइल में नहीं है. अगर होती तो दोनों के लिए होती ना. आप तड़प रहे थे किसी के लिए, आपने बहुत एफर्ट करा किसी काम को करने के लिए, बहुत एफर्ट, कई दिनों तक, कई महीनों तक, और वो चीज एकदम से अचीव कर ली. वो मजा कुछ देर के लिए रुकता है, वो फीलिंग्स कुछ देर के लिए रहती हैं, सेंसेशंस कुछ देर के लिए रहती हैं, वो थॉट्स कुछ देर के लिए रहते हैं. उसके बाद में थॉट्स भी मर जाते हैं, फीलिंग्स भी मर जाती हैं, सेंसेशंस भी खत्म हो जाती है. होनी ही है, कोई भी सेंसेशन टिकती नहीं है, ना पेन की ना प्लेजर की, आती है जाती है. उसके बाद में क्या होता है, अंदर उस टाइम पे कुछ दिनों के लिए कोई डिजायर नहीं होता है. ऐसा लगता है एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है, कि मतलब एक ये होता है कि यार बस लाइफ से जो चाहिए था वो मिल गया. वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट क्या है, क्या उस टाइम पे कोई थॉट होते हैं अंदर, कोई डिजायर्स होते हैं, कुछ होते हैं? बल्कि कुछ भी नहीं होता है. आप समझ गए ना, तभी वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है. उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, वापस से सेंस ऑफ लैक आपके अंदर आ जाता है. सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और सेंस ऑफ लैक में फर्क समझ आ रहा है? Yes, sir. कुछ दिनों तक तो लगा कि हाँ बस लाइफ में जो करना था वो कर दिया, बस जिंदगी का मकसद पूरा हुआ, मजा आ गया. और कुछ दिन बाद क्या होता है, या तो वो जो अचीव किया था वो कम लगने लग जाता है, या फिर कोई नए डिजायर्स आ जाते हैं,
और फिर आप फड़फड़ाने लग जाते हो, फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों तक तड़पते रहते हो उसके लिए, पागलों की तरह स्ट्रगल करते रहते हो सुबह से रात तक, पता नहीं कितने तरह के अपना टॉर्चर करवाते हो, फिर उसको अचीव करते हो, फिर पागल हो जाते हो, समझ गए ना। तो अगर ये जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आपके अंदर आया, जो आपको लग रहा है उस डिजायर के पूरे होने की वजह से आया, उस मोबाइल की वजह से आया, पकड़ पा रहे हो ना, वो एक्चुअल में आपके अंदर ही था। उस मोबाइल के डिजायर की वजह से एक सेंस ऑफ लैक आपके अंदर पैदा हुआ, पकड़ पाओगे मतलब, समझ पा रहे हो। हाँ, यू वर फुलफिल्ड इन योर चाइल्डहुड, आपके अंदर कोई कमी नहीं थी किसी भी तरह की, बट यू बिकेम अनफुलफिल्ड बिकॉज ऑफ दैट डिजायर। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप खाने के लिए तड़प रहे हो, आप गोलगप्पे के लिए तड़प रहे हो, एकदम से आपके अंदर डिजायर आया, तो अब वो पैदा हो गया, अब सफरिंग शुरू हो गई, तड़पना शुरू हो गए। जैसे खा लिया क्या होता है, उस टाइम पे तो सेंसेशंस हो रही होती है, और ज्यादातर क्या होता है उस टाइम पे आपको पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप कुछ और ही सोच रहे होते हो, होता है ना। हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, लेकिन वहां पे मोबाइल पे लगे हुए हैं, साथ साथ में खा रहे हैं, लेकिन उसके लिए तड़प रहे थे, तो ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो गोलगप्पे जिसके लिए आप तड़प रहे थे वो आपने खा लिए, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ देर के लिए एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट पूरा हो गया, लेकिन कुछ देर के लिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ा डिजायर नहीं था ना। तो जितना बड़ा डिजायर, जितनी बड़ी स्ट्रगल के साथ में पूरा होता है, उतनी देर के लिए वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट टिकता है। तो हमारे सबके अंदर एक बहुत बड़ा डिजायर है, वो है वी वॉन्ट टू बी एब्सोल्यूटली फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। ये डिजायर है आप सबके अंदर या नहीं है? हिम्मत लाओ अपने अंदर बोलने की, है या नहीं? यू वॉन्ट टू बी एब्सोल्यूटली फ्री विद इन, अपने अंदर से भी और बाहर से भी। बॉन्डेज किसी को पसंद नहीं है, ये बड़ा नेचुरल डिजायर है, ये सबसे बड़ा डिजायर है। अगर ये पूरा हो गया तो क्या होगा, ये सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कितनी देर के लिए टिकेगा? पकड़ पा रहे हो ना, जितना बड़ा डिजायर होता है उतने दिन के लिए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट टिकता है। तो ये सबसे बड़ा डिजायर है, टू बी एब्सोल्यूटली फ्री विद इन। ये अगर एक बार अचीव हो गया तो क्या होगा, ये जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है ये बना ही रहेगा। देन यू आर एब्सोल्यूटली फुलफिल्ड विद योर लाइफ। अब कहीं भी कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई जी रहा है मर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ आ रहा है जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दुनिया कुछ कह रही है नहीं कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यू आर एब्सोल्यूटली फुलफिल्ड। इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हो? क्या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए? आई डोंट नीड माई सन टू मेक मी हैप्पी, आई डोंट नीड माई वाइफ टू मेक मी हैप्पी, आई डोंट नीड दिस वर्ल्ड टू मेक मी हैप्पी, आई डोंट नीड मनी टू मेक मी हैप्पी, आई एम हैप्पी बाय माई वेरी नेचर। क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा डिजायर है, जो नेचुरल है, दैट इज नॉट लिमिटेड एक्सपेंशन, दैट इज इनफाइनाइट एक्सपेंशन। सब यही कर रहे हैं कोशिश, आप अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी टेरिटरी को, जो अभी हो उससे थोड़ा ज्यादा बनने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा और ज्यादा। हर कोई यही कर रहा है, एक बिलियनियर भी यही कोशिश कर रहा है, अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है, अपने एरिया को बढ़ा रहा है। तो अगर ये टेरिटरी इनफाइनाइट लेवल तक पहुंच जाए तो क्या होगा? नहीं समझ आ रहा ना, यहां तक नहीं आ रहा ना, कोशिश करो पकड़ने की। मतलब यू इफ यू डीपली अंडरस्टैंड that I don't have to become more by achieving more or by doing more or by getting more, I am infinite, we are infinite, aap chahe kuch bano chahe na bano, you are infinite। to agar ye baat samajh aa jaye aur fir is level se aap act karo, then wahan par jo bhi kuch hoga that is all love, nothing else। Thank you.